कैसे हो मैम? तो कैसे हैं? दिवाली कैसा? जी हाँ दोस्तों, बिग बॉस 17 फेम सोनिया बंसल नजर आ रही हैं जिम के बाहर, यानी कि सोनिया बंसल कसरत करने जा रही हैं। आगे वीडियो में देखते जाएं इन्होंने किस तरह बिग बॉस 17 के अंदर की चीजों की पोल खोली है। छुपके खेलने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट जब हुआ कि आप बाहर भी आपके अच्छे फैंस हैं, सब चीज आपको सपोर्ट करता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको मैदान में उतर के आना चाहिए। इनफैक्ट जब गेम पलटता है ना, तो वो हर चीज पलट जाती है, क्योंकि बिग बॉस का गेम ही ऐसा है कि आप जैसा दिमाग चलाओगे वैसा ही आपके ऊपर घूम जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो जर्नी है ना, वो आपको अच्छे से पूरी करनी चाहिए। तो जैसे मुनावर का भी कल लाइव आपने देखा हो, तो वो अपने आप से बात कर रहा था, इनफैक्ट बता रहा था कि मैं बहुत अच्छा है, ऐसा है वैसा। तो मुझे ऐसा लगता है जब आपको पता है कि आप बहुत स्ट्रांग हो, तो आपको मैदान में निकल के आ जाना चाहिए कि हाँ भाई अब क्या है। मतलब वो ये बोल रहा है कि मैं अपने जो हथियार है बाद में निकालूंगा, कौन से हथियार करूँगा ये बताऊँ। तो वो ऐसे कुछ भी नहीं है। मैं आपको बता रही हूँ कि बिग बॉस में कोई स्ट्रैटेजी काम नहीं करती है। इनफैक्ट जो जर्नी है, आप अपने मुद्दों पे बोलो, आप मुद्दों से मत हटो। मुझे ऐसा लगता है कि मुद्दे हैं आपके पास, तो आप मुद्दे से झगड़ जाओ, बट आप मुद्दे से भी पीछे हट रहे हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि फिर स्ट्रांग नहीं हो। आप वो गेम खेलने के लिए जो जर्नी है ना, वो पूरा करना चाहते हो, जिससे आप ट्रॉफी ले सको। तो मुझे तो ट्रॉफी की ज़रूरत भी नहीं थी। इनफैक्ट मैं तो गेम खेलने की सोचती हूँ, मैं ट्रॉफी का ऐसा नहीं सोचती अरे ट्रॉफी मिल जाए मैं गेम को भूल जाऊँ। इनफैक्ट अपने मुद्दे को भूल जाऊँ, अपनी अपनी चीज़ों को भूल जाऊँ कि मैं मेरी पर्सनैलिटी क्या है, कैसे चुप रहने की नहीं है। तो वही बात थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी तो उस गेम में ही सारे लोग सो रहे होते हैं, कुछ कर ही नहीं रहे। मुझे ऐसा लगता है विक्की को मिलना चाहिए। बताएं क्यों? क्योंकि वो अपनी फैमिली की रिस्पेक्ट नहीं कर पा रहा है, एक टेलीविजन पे अपनी वाइफ की रिस्पेक्ट नहीं कर पा रहा है, तो उस इंसान को जरूर फटकार मिलनी चाहिए मेरी तरफ से। क्योंकि अंकिता जैसी भी है, जिस तरीके से उन लोगों का गेम प्लानिंग भी हुआ है, बट मुझे ऐसा लगता है गेम प्लानिंग की वजह से आप अपनी रिस्पेक्ट करना मत भूल जाओ। जो आपकी वाइफ है या हस्बैंड है, आप एक दूसरे को रिस्पेक्ट तो करो। तो वो लोगों का मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा। और तो अनुराग को तो मिल ही चुका है सजा, तो वो तो भुगतने वाले ही हैं। ओके, थैंक यू सो मच।